नमस्कार नेशन नाउ में आपका स्वागत है, मैं हूं कविता कृष्णन। नमस्कार, मैं मंदार फंड से। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक पर लगी पाबंदियों का आज दूसरा दिन है, पर अब तक बैंक के कस्टमर्स परेशान है। वो मेहनत की कमाई जो उन्होंने पीएमसी बैंक में जमा करके रखा था, उसका क्या होगा, या फिर वो सुरक्षित है भी या नहीं, ये सवाल बैंक के खाता धारकों को परेशान कर रहा है। और आज दिन भर हमने उन लोगों से बातचीत की जिनकी गाढ़ी कमाई पीएमसी बैंक में फंसी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। रूम लेने वाली थी मैं, कारण लड़की भी मेरी है, वो गांव में है, इधर उधर रहने को मेरे को जगह भी नहीं रहता है कुछ भी, इसलिए मतलब रूम पैसा जमा होगा तो मैं को रूम लेगा छोटा पड़े जो है पति मेरे होएगा उसकी। और दूसरे ठिकाने 20,000 डाला, एक एक 1500-1500 करके ऐसा एक साल में डाला, वो मैं फंसता बोले मेरे को पैसा मिला नहीं है वो, इसलिए मैं इधर डर गए कि वो भी मेरा पैसा जाएगा 1,00,000 रुपये, तो मैं क्या करेगी, मेरा कमाने वाला कोई नहीं, नहीं। जो मेरा रिटायरमेंट का जो आया था पैसा वो 14,00,000 में यहाँ रख दिया, और मैं अभी सोचा भी ये जो पैसा है उसका इंटरेस्ट यहाँ सेविंग में जमा करूँ, और मैं मेरा पॉलिसी वगैरह है वहाँ यहाँ से चेक में देता था समझा, और बाद में अभी समझो मेरा लड़के का शादी है तो यहाँ से पैसा निकाल के मैं शादी करवाना चाहता था, और समझो कुछ मेरा अभी टीथ का जो प्रॉब्लम है मुँह में तो वो भी यहाँ से मैं खर्चा लेके मैं करता था, लेकिन अभी प्रॉब्लम हो गया, अभी क्या करें। हमें तो बहुत गुस्सा है, 1,000 रुपये लेके हम क्या करेंगे, 1,000 में हमारा कुछ होएगा नहीं, तो इससे अच्छा हम बोल दे छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, 1,000 रुपये में कुछ नहीं होने वाला है हमें, क्योंकि हमारा सब कुछ तो इसी पे है ना, हम एक सहारे से डाल दिए पैसा भरोसे पे, और अचानक इन लोग ने ऐसा हमें बोल दिया। परसों आके मैंने 10,000 रुपये डाल के गई, अगर मुझे पता होता मैं नहीं डालती हूँ ना, अगर ऐसा होने वाली, इस बीच में हमें मैसेज भी आता था कि एटीएम नंबर चेंज करवा लो, वो करवा लो, हम बताएंगे नहीं कॉल करके, क्यों नहीं बताएंगे, जब पब्लिक आके तुम्हारे भरोसे पैसा डाल के जाती है और तुम मैसेज डालोगे हमारे फोन नंबर पे कि हम बंद होएगा तो बैंक बताएंगे नहीं और हम कॉल नहीं करेंगे आपको जानकारी कर, हमारे पास टाइम रहता नहीं रहता, अगर तुम्हारा फ़र्ज़ है ना हमें बताने का। 6 महीने का बोला हुआ है, 6 महीने के बाद में आपको मिलेगा पैसा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो ऊपर वाला जाने, अगर नहीं आएंगे तो कुछ कर केस भी नहीं कर सकते, हमने बोला ना शादी, इसका शादी और गांव में घर बनना है, घर का काम चालू है मेरा, तो उधर थोड़ा थोड़ा पैसा मैं निकालने वाला था, बैंक ये हो गया बंद तो अभी क्या करेगा। और आज हम फिर से एक बार पीएमसी बैंक में पैसा जमा करने वालों की परेशानियों को आपके सामने रखेंगे। हमारी संवाददाता अमिता बालचंद्रा और इन खाताधारकों के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी, आप भी हमें कॉल करके अपनी परेशानी हमसे साझा कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपकी परेशानी सुलझाने में मदद करेंगे। जी मंदार, और अमिता के पास जाए उससे पहले सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी के पास, जो कि पीएमसी बैंक मामले से जुड़ी बड़ी खबर लेकर आए हैं। उत्कर्ष बताएं क्या खबर हाथ लगी है आपको, खासकर क्या आपको ये कहीं से पता चल पाया है कि बैंक के इस तरह जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं आरबीआई के तरफ से बैंक पर, उसके पीछे क्या वजह है? तो कविता, कल तक जो बैंक का स्टेटमेंट आ रहे थे, जो एमडी से भी हमने बात करी थी, तो उनका कहना था कि एनपीएस लेवल से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसी वजह से आरबीआई ने इस तरीके की पाबंदियां लगाई हैं, और उस समय भी थोड़ा बहुत इस बात पर शक हुआ था कि अगर केवल एनपीएस ही बढ़े तो एनपीएस तो हिंदुस्तान में कई सारे बैंकों के बढ़े हुए हैं, लेकिन इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाना, प्रतिबंध लगाना बहुत बड़ा कदम लग रहा था। उसके बाद अब हमें बाद में ये पता चला कि दिक्कत ये नहीं थी कि एनपीए बढ़ गए थे, दिक्कत ये थी कि एनपीए बढ़े
उनको इस बैंक ने, पीएमसी बैंक ने बताया नहीं। जब आप किसी भी तरह का एनपीए घोषित करते हैं तो आपको उसके साथ में प्रोविजन रखने पड़ते हैं कि अगर ये लोन जो है वो सामने वाला ना चुका पाए तो उसके लिए एक बैंक को प्रोविजन रखने पड़ते हैं। यहाँ पर पीएमसी ने क्या करा, पीएमसी ने एचडीआईएल को लोन्स दिए और उस लोन्स के बदले में जब वो लोन्स वापस नहीं आ पाए तो उन्होंने उसको एनपीए घोषित नहीं करा और बल्कि उसकी वजह कोई प्रोविजन भी नहीं रखा। आरबीआई लगातार इंस्पेक्शन करती रहती है अलग अलग बैंक्स का और जब उनको किसी भी प्रकार की कमियां दिखती हैं तो वो बात करती है। और अब ये पता चल रहा है कि एचडीआईएल को दिया हुआ एक बड़ा लोन है जिसको जो खराब हो चुका है, जिसके पैसे वापस आने की उम्मीद कम बची है और उसको कहीं ना कहीं जो पीएमसी बैंक है उसने रिपोर्ट भी नहीं किया है और इसी वजह से कोई प्रोविजंस भी नहीं है। और यही सबसे बड़ी जो दिक्कत है इस समय वो ये है कि क्या ये कितना बड़ा लोन होगा, करीब करीब अमाउंट अभी तक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पीएमसी बैंक आपको अभी भी नहीं दे रहा है कि कितना बड़ा वो है ये लोन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इनका कहना है, पीएमसी से अगर आप बात करें, पीएमसी बैंक का कहना है कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो लोन है वो सिक्योर्ड लोन है, मतलब कि इसके बदले में किसी भी प्रकार की एसेट रखी गई है, लेकिन इसके बारे में अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं। सवाल ये है कि पहली बात तो एनपीए क्यों नहीं दिखाया गया, क्या वजह थी कि इसको रिपोर्ट नहीं करा गया, बल्कि गाइडलाइंस तो कहते हैं कि आप इसको रिपोर्ट कीजिए। उसके बाद इसके बदले में क्या एसेट है, कितना बड़ा लोन है ये, अच्छा ये लोन किसी प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था, क्योंकि एचडीआईएल तो एक रियल एस्टेट कंपनी है तो क्या ये किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया गया था जहां पे ये पैसा आगे फंसा हुआ है, अगर हाँ तो कौन सा प्रोजेक्ट है ये। तो कई सारे सवाल हैं जो पीएमसी मैनेजमेंट आपको देने पा रहा है। दरअसल आपसे मेरा भी एक सवाल है, इससे पहले हमारे दर्शकों को जरा बता दूं कि एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है डूबा हुआ कर्ज, वो कर्ज जो कंपनी या इंसान जो है चुका नहीं पाया है, जिस पर वो डिफॉल्ट कर गए और एक अरसे तक जब डिफॉल्ट करते हैं तब कर्ज को एनपीए कहा जाता है और बैंक को इसके एवज में जो है कुछ पैसे निकाल कर रखने होते हैं, जैसे उत्कर्ष हमें बता रहे थे उन्हें प्रोविजनिंग करना पड़ता है। अब उत्कर्ष ये बताइए कि ये तो बैंक के इंटरेस्ट में है, बैंक के फायदे वाली बात है कि वो एनपीए डिस्क्लोज करे, साथ ही साथ एनपीए के लिए पैसे अलग रखे, ये सब बैंक के फायदे वाली बात है। तो यहाँ पर एचडीआईएल को इस तरह, अगर एचडीआईएल का कर्ज डूब गया था तो एचडीआईएल को इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया गया? देखिए, दो सवाल हैं। एक तो पहला सवाल यह है कि जब आप एनपीए नहीं बताते हैं तो आपको प्रोविजन नहीं रखने हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मेरे पास ज़्यादा पैसा आता है बांटने के लिए, वरना अगर मैंने एनपीए दिखाया तो मुझे उतने ही प्रोविजन रखने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि जो पैसा मुझे बांटना है वो कम हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो एक ये लॉजिकल रीज़न लगता है अगर आप ये मानते हैं कि यहाँ पे कोई क्विड प्रो को इन्वॉल्व नहीं है। पर दूसरा सवाल आपने ये भी जो सही उठाया है कि ऐसा क्यों है कि इनको नहीं दिया गया। अभी तक देखिए आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट बहुत तरह सामने नहीं आई है और वहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई मैल प्रैक्टिसेस नहीं हुई थी, किस इंटेंशन से लोन्स दिए गए थे, क्या कोई क्विड प्रो को हुआ था। अभी तक आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट सामने नहीं आई है, पर जैसे कि मैंने कहा सवाल क्योंकि बहुत हैं और इन सवालों के जवाब नहीं है, एसेट्स हैं कि नहीं, क्यों दिए गए, कहाँ लगे, बल्कि सुबह कहीं पर एमडी ने बात करते हुए ये भी कहा था कि शायद एक पर्सनल लोन दिया गया था उनके किसी प्रमोटर को, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर सामने आ पा रहे हैं। अभी तक आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमारे हाथ नहीं लगी, हम लगातार आरबीआई से बात करके जानना चाह रहे हैं वो क्या है, लेकिन बहुत सवाल हैं इस पूरे किस्से में और जो एक लिंक बनता हुआ दिख रहा है, चाहे वो एचडीआईएल और पीएमसी का हो, क्यों ये लोन्स दिए गए, क्यों ये रिपोर्ट नहीं करे गए, तो इसकी जाँच शायद तक आरबीआई ने करी होगी और उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में सामने आएगी ये बात। जी उत्कर्ष, और एक सवाल जाते आपको अहम पूछना है, क्या कोई जानकारी है हमारे पास, क्या कोई ऐसा इस तरह का कोई सूत्र ने आपको बताया है कि ये 2,500 करोड़ के अलावा भी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये पूरा मामला इस तरह से सामने आया हुआ है? क्या 2,500 के अलावा और कोई इस तरह के एनपीए के आंकड़े सामने आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो लोन है वो यहीं पे है, ये आंकड़ा भी अभी तक पूरी तरह से बैंक नहीं बता रहा है, बस सूत्र ही बता रहे हैं, लेकिन जो ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो आंकड़ा है, जो सबसे बड़ा पैसा गया है वो एचडीआईएल को गया है। देखिए, बाकी छोटे मोटे एनपीए हर कंपनी के चलते हैं, जिस हिसाब से इस समय वित्तीय हालत है एनपीए, जैसे कि मैंने कहा बहुत बैंकों के एनपीए हैं हिंदुस्तान में जी, पर दिक्कत यहाँ पे एनपीए नहीं, दिक्कत है कि इस एनपीए को जानबूझ के क्यों छुपाया गया, क्यों आरबीआई को नहीं बताया गया, क्या इसके पीछे का इंटेंशन था। एक हो सकता है कि उनको अपने प्रोविजंस बड़े करने हो, पर उसको छोड़ के क्या कोई माल प्रैक्टिसेस हुई है यहाँ पे, कोई क्या कोई क्विड प्रो को हुआ है इसमें एचडीआईएल के साथ, ये कई सवाल हैं। अगर आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट सामने आती है तो उससे पहले ये हल हो सकते हैं, अगर वहाँ पे कुछ मालूम पड़ता है कि भाई क्यों ये एनपीए छुपाए गए, क्यों ये नहीं बताए गए, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है।
जी उत्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए और इसके लिए लगातार अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। लेकिन बात दरअसल ये है मंदार कि एक कंपनी को दिया गया लोन, कर्जा वो कंपनी चुका नहीं पाई और शायद इसलिए जो है आज लाखों लोग बैंक के ब्रांच के बाहर खड़े हैं और अपने पैसे निकाल नहीं पा रहे, अपनी जो मेहनत की कमाई है मंदार वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। दरअसल हमारी संवाददाता अमिता बालचंद्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है, वो पीएमसी बैंक के ही ब्रांच के बाहर खड़ी है। अमिता बताइए कि आप सवेरे से इसी स्टोरी को कवर कर रही है, लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? हम आपको बता दें कि बहुत सारी दिक्कत सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आज हम यहाँ पे अभी सायन ब्रांच के बाहर है, आप देख सकते हैं कि 6 बजे के आसपास इतने लोग हैं, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आए हैं यहाँ पे कि वो लोग विड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं। अगर कोई इमरजेंसी है, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है लोगों की कि अगर कोई इमरजेंसी है घर में, अगर विड्रॉ करना पड़ा, अगर वो पैसा लेना पड़ा तो फिर क्या करें। सीधे सीधे चलते हैं, हमारे साथ थोड़े लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पास कितने पैसे यहाँ पे अटके हुए हैं और वो क्या करने वाले हैं। आप बताइए हमें, आपका कितना पैसा है बैंक में और ये ज़रूरी पैसा था, अभी विड्रॉ करने वाले थे आप? मेरा 4 लाख बैंक में है और अभी बर्तन घस घस के जमा के लिए वो मिलना ज़रूरी है, इतना ही बस। कितना कितना साल लगा आपको ये इतना पैसा करने लिए? कितना 50 साल लगा। 50 साल की कमाई जो सेविंग्स है वो बैंक में है और आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे, कुछ इमरजेंसी है जो आपको लगता है कि रोज की रोटी अगर चलाना है तो पैसा चाहिए? हाँ, रोज की रोटी चलाना है तो पैसा चाहिए ना, सब्जी को रोज का 100 रुपया तो लगता ही लगता है, कैसा भी करो तो पैसा नहीं होगा तो क्या करेगा इंसान। तो जब आपको बताया गया कि 1000 काली आप विड्रॉ कर सकते हैं 6 महीने में, आपको कैसा लगा? बहुत डर लग रहा है ना, तभी तो डर लग रहा है, खर्चा चलेगा कैसा। तो एक ये जन है जो बोल रहे हैं हमें कि सारे जो सेविंग्स है उनका यहाँ पे बैंक में है, ये जो है इनका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट सब बैंक में है। आप बता रहे थे कि आपको ये पैसा बहुत ज़रूरी है और आपको पता नहीं है क्या करना है। मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मदर का, मेरी वाइफ का, मेरा जो सेविंग अकाउंट है, जो भी हमारी अर्निंग्स है, जैसे बीच में नोटबंदी हुई थी तो हमको गवर्नमेंट ने ये किया था कि सब आप कैश जितना भी आप बैंक में रखिए, इकोनॉमी ऐसा चले, तो हमने जो भी हमारा होता था हम मतलब 1000-2000 रख के सारा, अभी मतलब मेरी मदर के अकाउंट में 4 लाख रुपीज़ है, वो सीनियर सिटीज़न है, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेरी डॉटर है जिनका मैं बचपन जैसे बॉर्न ही तो बाल विवश एक योजना थी जिससे मैं 5000 हर महीने अकाउंट में डालता था, तो ये हमारा जो ट्रस्ट है वो एकदम ही टूट गया है, हमारा जो भरोसा था, और भी आप देख सकते हैं कई लोग हैं तो सबका भरोसा टूट गया है। मतलब अगर ये करेंगे अभी कुछ कोई डायरेक्टर्स ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कोई ऐसा उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड आके कुछ सामने जनता को बोला नहीं है कि मतलब बस एक ऐसा सर्कुलर डाल के बोल दिया है, अभी लोग आके अंदर बैंक स्टाफ को जो लेडीज़ हैं उनको गुस्सा कर रहे हैं उनके, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको एटलीस्ट कुछ मत बोलिए, क्योंकि स्टाफ का कोई कसूर नहीं है, जो बैठे हैं वो तो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर जो रियल कल्प्रिट हैं आप, जिन्होंने डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने लोन सेंक्शन किए हैं, जिन्होंने ये सब काम किया है, आप उनको आना चाहिए सामने, उनको गवर्नमेंट RBI को उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको पिनलाइज करना चाहिए। आप बताइएगा हमें, आपके पास ये एक फॉर्म जो अभी दिया जा रहा है, कविता आपको दिखा दे, ये फॉर्म दिया जा रहा है, यहाँ पे ये लिखा है कि आपको अगर ज़रूरी पैसा है तो आप फिल करके दीजिएगा, क्या है ये बताइए? मैम, ऐसा है कि हमें मैसेज आया है, जैसे कि हम सब ने, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, कोई हैंडीकैप है, कोई ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज है, किसी का मैरिज है, तो आपको अपने खुद के पैसे के लिए आपको इनके पास आके मतलब ये फॉर्म भरना पड़ेगा कि मेरा मैरिज है तो मैरिज कार्ड, या अगर मेरी हॉस्पिटल में मेरी ट्रीटमेंट चालू है तो मुझे उनके बिल्स, और जो सीनियर सिटीज़न है, खास करके जो मैं सबको कहना चाहूँगा, जो सीनियर सिटीज़न है वो आके अपना ये फॉर्म भरें, जो उनका मंथली
जो उनका एक्सपेंसेस हैं, जो अभी कई सीनियर सिटीजन हैं जिनकी कोई कहाँ से कोई अर्निंग्स नहीं है, ये यही सोर्स था। उन्होंने अपना हार्ड एंड मनी इधर रखा था, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, तो बंदा सोचता था चलो हम लाइफ पीसफुली जिएंगे। अभी मेरी मदर हैं, उनका अराउंड 4 लाख रुपीज़ हमारा है। आपको क्या बताया गया, इसके बाद क्या होगा? मैम उनको बेचारों को कुछ नहीं पता है, वो अंदर बैठे हैं, वो बेचारे वो स्टाफ हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। वो बोल रहे हैं अभी बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, जो स्टाफ है ना वो रियली आउट ऑफ द वे कॉपरेट कर रहे हैं, वो मतलब सबको दिलासा दे रहे हैं, बट उनको ही पिक्चर क्लियर नहीं है। हमारा एक आपके चैनल के थ्रू एक रिक्वेस्ट है कि जो डायरेक्टर्स हैं जो बड़ी पोजिशन पर बैठे हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस करें, एटलीस्ट वो पब्लिक को बताएं कि कहाँ गलती, कोई बात नहीं, हो गई गलती, आप गलती बताइए, हाँ हमसे ये गलती हुई है, ये ऐसा इतना टाइम लगेगा, एक क्लियर पिक्चर दें, हम सपोर्ट करेंगे। तो आपको बता दें कि इतने लोग जो है सबका यही प्रॉब्लम है और यही स्टोरी सबके घर में है, और ये फॉर्म दिया गया है भरने के लिए कि अमिता इस फॉर्म को लेकर ही सवाल है आपको, तो ये भर के दे रहे जी, उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है करके बोल रहे हैं। ये जो फॉर्म दिया गया है इन लोगों को, डिपॉजिटर्स को, क्या इसमें कोई मियाद दी गई है, क्या किसी तरह का एक डेडलाइन बताया गया है कि ये फॉर्म भरने के बाद कितने समय में उनका जो पैसा है वहाँ पे उनको मिल पाएगा और कितना पैसा मिल पाएगा, क्या इसके बारे में कुछ वहाँ पे बात की गई है? इन्होंने कहा कि कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, मैं फिर भी पूछूंगा आपको, कुछ डेडलाइन दिया गया है कि कुछ अंदर मैडम ने अंदर जो असिस्टेंट मैनेजर थे मैं उनके पास सामने से गया और मैंने कहा कि ऐसा एक सर्कुलर मुझे मैसेज आया है, तो उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, उन्होंने कहा कि सर, मैंने उनको बोला कि 4 लाख रुपीज ऑलरेडी मेरी मम्मी का है, तो मैं लमसम अमाउंट डालूं या कैसे, तो उन्होंने बोला आप ज़्यादा अमाउंट मत डालिए, ये आरबीआई आप जो भी फॉर्म भरेंगे और जो आप सीनियर सिटीजन के प्रूफ अटैच करेंगे, जो उनकी ट्रीटमेंट के पेपर अटैच करेंगे और एक अमाउंट लिखेंगे, वो अमाउंट they are not saying that they will give that amount, they are saying just you write it down, if they will consider, RBI person will consider, then only we will, this money will be released or else they will cancel this thing. Okay, so abhi ke liye filhal jinke paas kuch emergency hai, jinko zaruri hai paise, ye form bhar ke dena pad raha hai aur wo RBI ko jayega, uske baad kya hoga ye bataya nahi gaya. iske andar ji Amita, aur ek sawal aur uske baad hum chalenge hamare panelists ke paas. ये बताइए कि जो आरबीआई के नियमों के मुताबिक यहाँ पर जो कस्टमर 1,000 रुपये विड्रॉ करने जा रहे हैं, क्या वो 1,000 रुपये उन्हें मिल रहा है और कितनी वक्त लग रही है? पूरे दिन हमने बातचीत की लोगों से, उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये मिल रहे हैं, हमने खुद देखा कि लोग 1,000 रुपये लेके जा रहे हैं, ये ब्रांच में क्या क्या है मैं पूछना चाहूँगी, 1,000 रुपये आपको मिल रहा है? मैम देखिए, ये बहुत क्रूअल मजाक है, ये बहुत, दिस इज अ वेरी वेरी क्रूअल दिस थिंग, लाइक आई वॉज इन बैंगलोर येस्टरडे and suddenly I come to know that all things are digital India and suddenly I come to know that I am handicapped, my cards are not working, my this thing is not working, I लेकिन बैंक में मिल रहा है? yeah, 1,000 रुपये मिल रहा है, मगर 6 महीने के बाद भी मिलेगा, तो 1,000 रुपये में खाने घर में खर्चा दे तो क्या दूंगा, बच्चे का स्कूल का फी क्या भरूंगा मैं हर महीना? बता रहे कि अभी मना कर रहे हैं, अभी अभी बहुत लोगों को मिला है, आज 1,000 रुपये मिला है, 1,000 रुपये लाइन लगा के मिला हमको भी, मगर अभी 1,500 रुपये फी है, महीना आ गया, लास्ट महीना है, तो उनको देना है फी, अभी वो बोलते हैं नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं, अभी चलो जी 6 महीने बने रहिए हमारे साथ, हम फिर एक बार आपके पास आएंगे ज्यादा जानकारी के लिए। आज जो नेशन नाउ पर हम पीएमसी बैंक कस्टमर्स की 3 बड़ी चिंताओं पर बात करेंगे। पहला बड़ा मसला है बैंक कस्टमर्स की 1 लाख रुपए की बीमा रकम दिए जाने की मांग, क्या आरबीआई मानेगी, क्योंकि 1 लाख जो है वो उनके सिक्योर किए होते हैं, तो क्या कम से कम उनको 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बड़ी चिंता ये है कि सारे आश्वासनों के बावजूद क्या पीएमसी बैंक में 6 महीनों के भीतर सब कुछ सामान्य हो पाएगा? जी, और मंदर तीसरा बड़ा मसला ये है कि क्या फंसे हुए खाताधारकों की मदद के लिए सरकार अब आगे आ सकती है? इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। अगर आपका भी इस बैंक में अकाउंट है और इसे लेकर आपका भी कोई सवाल है तो फोन कीजिएगा, हमारे फोन लाइंस इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी नंबर्स। लेकिन चलते सीधे हमारे पैनल के पास, विनायक अंबेकर जुड़ रहे, बीजेपी के पैनलिस्ट है, चरण सिंह सापरा कांग्रेस के प्रवक्ता है, विपिन मलिक हमारे साथ है आरबीआई के पूर्व डायरेक्टर है, और टीना सेठ हमारे साथ, कई डिपॉजिटर्स भी जुड़ेंगे।
चर्चा के दौरान, लेकिन पहले सीधे चलते हैं हम इस वक्त विपिन मलिक के पास। विपिन मलिक, कई बड़े सवाल यहाँ पर लोगों ने पूछे हैं, लेकिन एक सवाल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अहम है वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी के घर में शादी है, किसी के घर में इमरजेंसी है, या जो मंथली पेमेंट लोगों को करना पड़ता है, जैसे स्कूल की फीस, जैसे एक शख्स ने हमें बताया यहाँ पर बाकी कई सारे पेमेंट्स करने होते हैं, इंश्योरेंस के पेमेंट्स करने होते हैं, ये सारी जो ज़रूरतें जो चीज़ें हैं, जाहिर तौर पर वो 1000 रुपये से तो पूरा नहीं होने वाला है। इसके लिए क्या किसी तरह का प्रावधान है इस तरह के स्थिति में? अपरेंटली तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है 35A के ऑर्डर के बाद कि कोई इमरजेंसी फंड्स रिलीज हो सके, ऐसी कोई मुझे प्रोविजन नहीं है जिसमें कि रिजर्व बैंक इसको रिलैक्स कर सके। मलिक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन साथ साथ चरण सिंह सपरा, सवाल सीधे आपसे ये है कि जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई है, 1000 रुपये का एक तरह से मजाक ही है, ये किसी भी आज की तारीख में मुंबई जैसे शहर में लोगों को अगर 1000 रुपया अगले 6 महीने के लिए निकालने की मोहलत दी जाती है, तो ये काफ़ी एक तरह से काफ़ी वियर्ड सा ये मामला दिखाई दे रहा है। तो क्या आप क्या कहेंगे, कम से कम अगले 6 महीने में इन लोगों को 1 लाख रुपये तक का पैसा उनका अपना खुद का जो है वो निकालने की कोई मियाद रखनी चाहिए थी इसमें या नहीं? देखिए मंदा, ठीक कहा आपने, अगर कोई अनियमितता हुई है, सवाल चरण जी सपरा से है, जो गलती हुई है वो मैनेजमेंट की। सपरा जी बोलिए जी। हाँ देखिए, मैं जी, तो ये गलतियां जो हुई है जिस वजह से आज आरबीआई ने ये एक्शन लिया है, ये मैनेजमेंट की वजह से हुआ है, लेकिन जो आम डिपॉजिटर है, कम से कम 2 लाख इसमें अकाउंट होल्डर्स हैं और 137 ब्रांचेस हैं। अब उन गरीब लोगों का क्या कसूर है जो अभी आपने दिखाया कि एक महिला बोल रही है मैंने बर्तन घस के 4 लाख रुपए 50 साल में मैंने जमा किए हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है। आरबीआई का ये 35A जो बैंकिंग रेजोल्यूशन का ये जो सेक्शन है, मेरे ख्याल से ये ड्रैकोनियन लॉ है, या इसको तुगलकी फरमान कहना चाहिए। 6 महीने में मात्र 1000 रुपया, ये कहाँ का कानून है और कौन से सन में हम जी रहे हैं? कैसे एक व्यक्ति 1000 रुपये में अपनी सारी जीवन आवश्यक वस्तुएं खरीदेगा, स्कूल के बच्चों की फीस भरेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेगा, टेलीफोन का बिल भरेगा, मोबाइल का बिल भरेगा? यानी ये कभी ये सरकार या आरबीआई इसको सोच नहीं रही है। मेरे ख्याल से आरबीआई को ये लिमिट बढ़ानी चाहिए, और नहीं तो हमको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये किसका विकास हो रहा है। आज ये सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये किसका विश्वास जीत रहे हैं? और आप कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, तो ये किसके अच्छे दिन आ रहे हैं? आम आदमी तो बेचारा सड़कों पर रो रहा है, 1000 रुपए से ज्यादा वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। और ये 35A अगर ये कोऑपरेटिव बैंक को लगा है, तो 35A उन बैंकों को पी है जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे जिसमें ज्यादा। We are rapidly modernizing our cities and equipping them with latest technology and citizen-friendly infrastructure. Thus, if you want to invest in urbanization, come to India. We have opened our defense sector like never before. If you want to make in India, for India, and for the world, come to India. We are building tens of millions of homes for the poor and middle classes. This is perhaps the largest housing efforts in the world. Thus, to invest in reality, come to India. साथियों, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज जितना हमारी सरकार निवेश कर रही है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। अब हम आने वाले वर्षों में
100 लाख करोड़ यानी लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा भारत के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लीप का रोडमैप जमीन पर उतर चुका है। अब भारत ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का। साथियों, जब 2014 में हम सरकार में आए थे तो देश की इकोनॉमी करीब करीब 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी। बीते 5 वर्षों में हमने इसमें लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ दिया और अब हम कमर कसकर 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, करेज भी है और कंडीशंस भी हमारे साथ है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी के 4 अहम फैक्टर हैं जो एक साथ दुनिया में मिलने वाली शायद ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन है। ये 4 फैक्टर हैं, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड एंड डिसिसिवनेस। अगर मैं पहले फैक्टर की बात करूं तो भारत में ऐसा मौका, ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कई दशकों के बाद आई है। जब डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल हो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, सिक्योरिटी और ग्रोथ का भरोसा अपने आप मिलता है। फ्रेंड्स, इस ग्रोथ को बल मिलता है भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड से, यंग और एनर्जेटिक टैलेंट पूल से। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एजुकेशन बेस और सबसे मजबूत R&D फैसिलिटीज वाले देशों में से एक है। इनोवेशन को लेकर जो एनकरेजमेंट भारत के युवाओं को मिल रहा है, उसके कारण अमेरिका और चीन के बाद भारत यूनिकॉर्न्स के मामले में तीसरे नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है। फ्रेंड्स, तीसरा डिमांड का फैक्टर है। जैसे जैसे भारत की बड़ी आबादी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, पिछले कुछ वर्षों से एयर पैसेंजर्स ट्रैफिक की ग्रोथ डबल डिजिट में है, जिसके चलते आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड के साथ ही आज जो बात भारत को विशेष बनाती है वो है डिसिसिवनेस। एक डाइवर्स और फेडरल डेमोक्रेसी होने के बावजूद बीते 5 वर्ष में पूरे भारत के लिए सिमलेस, इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाएं तैयार करने पर बल दिया गया है। जहां पहले भारत में टैक्स का जाल था, वहीं अब GST के रूप में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम पूरे देश के बिजनेस कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। IPR एवं ट्रेडमार्क की रिजिम को मजबूत बनाने के लिए ही हमने काफी काम किया है। इसी तरह
यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में ग्लोबल बिजनेस फोरम पर बात करते हुए और जो दुनिया के जो बड़े बड़े सीईओज है, टॉप सीईओज को यहाँ पर वो एड्रेस कर रहे हैं। इसके बाद इन सीईओज के साथ उनकी मुलाकात भी होनी है। आपको बता दें यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जैसे बता रहे थे कि जो बिजनेस क्लाइमेट है भारत में, जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोग्राफी है, इस वजह से जो युवाओं का युवाओं की संख्या है, उस वजह से भारत जो है इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है, बहुत ही अच्छा फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन अब सीधे चलते हमारे पैनलिस्ट के पास और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी विनायक अम्बेकर आपसे। जैसे हमारे आपने सुना किस तरह खाताधारकों को कितनी मुश्किलों की का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, और ये बेसिक सी चीज़ है कि ₹1,000 अगर आप 6 महीने के मियाद में सिर्फ ₹1,000 यहाँ पर विड्रॉ करने की बात करेंगे तो ₹1,000 में किसी का गुजारा नहीं हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर बैंक में जो गड़बड़ी हुई है उसको उस पर पर्दा डाले रखे और उसके लिए बैंक को बैंक एक्शन ना लिया जाए, लेकिन क्या डिपॉजिटर को इसका खामियाजा भरना पड़, यहाँ पर डिपॉजिटर जो है वो खामियाजा भर रहा है, क्या वो ठीक है? बेसिकली मैडम एक चीज आपने ध्यान सबने ध्यान में लेना चाहिए कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना है कि जिसमें रिजर्व बैंक का ऑडिट बैंक में चल रहा है। कल मंडे में उसका चौथा दिन था कि रिजर्व बैंक का ऑडिट चल रहा है, और इस रिजर्व बैंक के ऑडिट में उनके ध्यान में ये आया, उनके सामने ये फैक्ट आई कि एक बड़ा लोन है जो बैंक के हेल्थ के हिसाब से बहुत डेंजरस है उसकी संख्या, और उसको बिल्कुल प्रोविजनिंग किया ही नहीं है। तो रिजर्व बैंक का जो ऑडिटर है उसका एक अधिकार बनता है कि उसको वो लॉस असेट करके डिक्लेयर करे। तो मेरे हिसाब से ऐसा हुआ है कि उसको लॉस असेट डिक्लेयर किया। हम ये सिचुएशन कंसीडर करें कि यदि वो लोन 2,00,000 करोड़ रुपए का है, विनायक अम्बेकर, विनायक अम्बेकर जो है, विनायक अम्बेकर आप जो कह रहे हैं बात सही है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये सिचुएशन भी समझिए, किसी की माँ बीमार है, अस्पताल में उनको ट्रीटमेंट करानी है, अस्पताल के ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे चाहिए वो बैंक में अटका हुआ है, किसी को अपने बच्चे की स्कूल फीस भरनी है, पैसे बैंक में अटके हुए हैं, किसी के घर में शादी है, पैसे बैंक में अटके हुए, कैसे करेंगे? ये भी उनके लिए भी तो सिचुएशन है ये। अंबेकर जी, मैडम हमने एक समझना चाहिए कि कोऑपरेटिव बैंकिंग ये एक सिस्टम है। हाँ जी मैडम, ये हमने सबने समझना चाहिए कि कोऑपरेटिव बैंकिंग ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम को नियमों के अनुसार ही चलाना पड़ेगा। आप जो परिस्थितियाँ बता रही है वो बिल्कुल सही है, हम सब लोग उसके साथ सहमत है कि बाबा ये सिचुएशन वेरी ग्रेव है, मगर जो रूल बनाए हुए हैं, जो सदियों से चलते आ रहे हैं, बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, उस रूल के हिसाब से जो एक्शन जिस समय में जरूरी है वो तो लेने ही पड़ते। ठीक है, मान लिया विनायक जी आपने बोल दिया कि ये एक्शन लेना जरूरी था इसलिए आपने इस तरह का एक्शन लिया है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है उसको सिक्योर करना है। एक सेकंड के लिए सिक्योर करना, ये सब बात आपकी मान ली, लेकिन विपिन मलिक जो विपिन मलिक आप अनुभवी है, आपने आरबीआई का कारोबार भी देखा हुआ है, जिस प्रकार से ये सब इस तरह की स्थिति जब सामने आती है तो क्या किस तरह का निर्णय लिया जाता है, वो निर्णय भी प्रक्रिया के तहत आपने देखा है, आपका क्या कहना है कि ये जो ₹1,000 का जो प्रावधान उसमें दिया है उसमें कौन सा एक तरह से डिपॉजिटर्स का वहां पे ध्यान रखा गया है, एक तरह से डिपॉजिटर्स के विश्वास को वहां पे बरकरार रखने के लिए ऐसा क्या होता है कि ₹1,000 की ही मियाद वहां पे रखी गई है, उससे ज्यादा क्यों नहीं रखी गई है? जी विपिन मलिक, सवाल आपसे है, ये जो ₹1,000 का जो अमाउंट है क्या वो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड है? इन्फ्लेशन का क्या, बैंक डिपॉजिट्स में और विड्रॉल्स में इन्फ्लेशन का कोई लिंक नहीं होता मैडम। आपको एक बात छोटी सी बता दूं कि इस बैंक का टोटल कैपिटल 226
272 करोड़ है और इसके जो रिजर्व्स हैं वो 933 करोड़ के करीब हैं। 1236 करोड़ की टोटल नेटवर्थ है। 1236 करोड़ के नेटवर्थ के अगेंस्ट अगर कोई अकाउंट HDIL जो कह रहे हैं आप लोग 2500 करोड़ का वो एक NPA डिक्लेयर हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि रिजर्व बैंक का एक्शन बहुत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तक नेटवर्थ ही नहीं है बैंक की तो वो पेमेंट कहाँ से करेगा। वो डिपॉजिटर्स के फंड से ही लोन इसका मतलब दिया गया है और अपनी नेटवर्थ उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बैंक कैपिटल एडिक्वेसी बैंक की जीरो है अगर ये बैड इसके डेट्स की ये पोजीशन है। अगर सिंगल अकाउंट में ये सिचुएशन है, अगर इसके टॉप 30 अकाउंट्स देख लिए जाएं तो हो सकता है कि इस बैंक की हालात और भी डिस्कवरीज आए। कुछ तो आज रिपोर्ट हुई है लेकिन और भी डिस्कवरीज आएंगी। लगता है ऐसे है कि एंड यूज ऑफ फंड्स जो है लोन अकाउंट्स के जो एंड यूज ऑफ फंड्स होते हैं वो मिस अप्रोप्रिएटली पॉलिटिकल फंडिंग के लिए यूज किए गए हैं और अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन आ रहा है और हो सकता है उस पॉलिटिकल फंडिंग को रोकने के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस रिजर्व बैंक ने ऐसी कई बातें हवा में है। मैं नहीं कह रहा कि भाई मुझे ये बात पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बात पता है, लेकिन विपिन मलिक प्रज्यूम कर रहा हूँ। जी विपिन मलिक, मेरा सिंपल सा सवाल है, जैसे आपने कहा कि यहाँ एक प्रॉब्लम है, बैंक ने जितना कर्जा दिया है उतना पैसा बैंक के पास भी नहीं है, तो जो कि कर्जा डूब गया है वो पैसा चुकाने के लिए बैंक के पास उतना पैसा नहीं है, बैंक के पास उतने पर्याप्त पैसे नहीं है। अब ये बताइए, अब जो हाल है, अब आगे का क्या रास्ता होगा? जिन लोगों ने पैसे डाले हैं, डिपॉजिटर्स ने पैसे डाले हैं, उन्होंने भरोसे पर पैसा लगाया है वहां पर, इन्वेस्टमेंट्स बैड हो चुकी हैं, एडवांसेस बैड हो चुकी हैं, तो ये किसी ना किसी बैंक के साथ अनदर अच्छा कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। और इन एनी केस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये, तो अब स्टेट महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट ने देखना है कि क्या एक्शन विपिन जी और सुनते हैं, कुछ डिपॉजिटर्स हमसे बात करना चाह रहे हैं। लगातार टीना सेठ जुड़ी हुई है जो पीएमसी बैंक वसई की डिपॉजिटर है, वैसे ब्रांच से। टीना सेठ, आपका क्या कहना है? मेरी मम्मी का और मेरी सिस्टर, हम तीनों का लाइफ सेविंग्स जितना भी है, एवरी पेनी इज इन दिस बैंक एंड वी हैव बीन दिस अकाउंट होल्डर्स इन दिस बैंक सिंस 15-20 इयर्स। हमने कभी कुछ भी अप डाउन इसमें फेस नहीं किया है। नाउ सडनली वन डे ये RBI अनाउंसमेंट आता है रिस्ट्रिक्शन एंड दे से कि हम इसमें से कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट टोल्ड अस कि डोंट कीप योर मनी एट होम, कीप इट इन बैंक एंड डू द डिजिटल ट्रांजेक्शन। हमारा जो बिल भरना है वी डू इट एवरीथिंग ऑनलाइन। यस्टरडे बिफोर दिस रिस्ट्रिक्शन आई हैड 70,000 कैश। आई डिपोजिटेड द कैश एट बैंक एंड आई एम लेफ्ट विथ नथिंग एट माई होम। जी विनायक अंबेडकर, आई डोंट हैव मनी टू पे माई बिल्स। My mom is 70 plus. She is in shock. She has not slept since yesterday. My aunt is 72 and she is a kidney patient. Hamara pura ghar is interest pe chalta hai bank. Agar ye paisa nahi mila to we don't know how long we'll be able to survive. Tina Seth, aap kya karti hai? I take care of my mom. अच्छा जी, एट होम जी। सबसे पहले चरणजीत, आपको पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये हालात सामने आती दिख रहे हैं, जैसे कि टीना सेठ ने उनकी कहानी बयां की, क्या ये 1,000 रुपए का जो आंकड़ा है वो किस किस बुनियाद पर लेके आए हैं, उसमें क्या लॉजिक लिखता है आपको? देखिए मंदार जी, यही मैं पूछना चाह रहा था
कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिसमें और भी बड़े बड़े एनपीए हुए हैं, आपको पता है एसबीआई में, पंजाब नेशनल बैंक में, इंडियन बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये सभी में और भी बड़े बड़े एनपीए अकाउंट हुए हैं, लेकिन वहां पर 35A नहीं लगा है, ये कोऑपरेटिव बैंक में 35A लगा है, जिसके तहत आपको केवल 1,000 रुपया विड्रॉ करने के लिए मिल रहा है। तो ये दो सेक्शन ऑफ रूल्स क्यों, ये इस तरह से फर्क क्यों रखा है कोऑपरेटिव बैंक और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, नंबर वन। फिर अगर 1,76,000 करोड़ रुपया सरकार विड्रॉ कर सकती है आरबीआई से, 10,00,000 करोड़ रुपया विड्रॉ कर सकती है एलआईसी से रिकैपिटलाइजेशन के लिए और तमाम सारी चीजों के लिए, तो फिर इस बैंक को भी रिकैपिटलाइजेशन के बीच में लाना पड़ेगा, और ये जो छोटे डिपॉजिटर हैं इनके जो अकाउंट में पैसा है, कम से कम 50% पैसा ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से विड्रॉ कर सके, ऐसा एक नियम इनको लाना पड़ेगा, नहीं तो जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनका हाल बुरा होगा, किसी के भी अच्छे दिन नहीं आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। विनायक अंबेकर, टीना सेठ ने जो कहा, उनकी आंटी जो है किडनी पेशेंट है, उनकी माँ रिटायर्ड है, टीना उन दोनों का ख्याल रखती है और वो और कोई काम करती नहीं है, और वो उनका गुजारा जो है, जो उनके लाइफ सेविंग्स इस बैंक में पड़े हुए है उसके इंटरेस्ट से उनका गुजारा होता है। टीना सेठ को जवाब दे कि वो अब अगले 6 महीने गुजारा कैसे करेंगी। टीना सेठ को ये तो मैं पहले बताना चाहता हूं कि उनका पैसा बिल्कुल सेफ है, बल्कि ये जो एक्शन लिया हुआ है वो उनके पैसे के सेफ्टी के लिए ही लिया हुआ है। तो टीना सेठ ने ये समझना चाहिए कि थोड़ा पेशेंस उनको रखना पड़ेगा, ये पेशेंस रखना बोलने जैसी आसान बात नहीं है, ये मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। आई हैव सिंपथीज विथ हर, बट बेसिकली ये जो एक्शन लिया हुआ है उनके पैसे की सिक्योरिटी के लिए लिया हुआ है, और मैं उनको ये आश्वासित करना चाहता हूँ कि उनका पैसा बिल्कुल सेफ है। विनायक अंबेकर, विनायक अंबेकर, विनायक अंबेकर, आपको बैंक को बचाने के लिए जो कदम उठा रहे हैं आप उठाइए, लेकिन आपसे सीधा सवाल है, 1,000 रुपए में 6 महीने तक लोग गुजारा कैसे करेंगे? उस 1,000 को बढ़ाकर क्या आप 1,00,000 कर सकते हैं? क्योंकि हर अकाउंट को 1,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस किया हुआ है। मैडम, पहले तो एक बात समझना चाहिए कि आज जो लिक्विडिटी पोजीशन है बैंक की, जितना बैंक की लिक्विडिटी है उसके हिसाब से 1,000 का रकम निश्चित किया गया हुआ है। जैसा रिकवरी चालू होगी और बैंक की लिक्विडिटी बढ़ेगी, वैसा ये रकम बढ़ सकती है, ऐसे उदाहरण भी हुए हैं पहले। तो बेसिकली ये तो सरकार कुछ इसमें समय बताएगा कि उसमें कैसी सुविधा जनता को मिलेगी, परसों में आएगी कि नहीं, वो बताइए जी। विपिन मलिक, कल परसों में इस देश में कोई ये ऐसी अमेंडमेंट आती नहीं है, ऐसे अमेंडमेंट लाने के लिए उसको बहुत रिसर्च करना तो पड़ता है। कब तक ये गरीब लोग बनाने के पीछे, गरीब लोग 1,000 रुपया 6 महीने तो नहीं, आप सरकार 1,76,000 करोड़ रुपया आरबीआई से विड्रॉ कर सकती है, तो ये गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं आप कुछ उसमें पैसा डाल सकते हैं? ऐसी क्या बात है कि गरीब लोग को भीख मांगने के लिए लगा दिया आपकी सरकार ने? सरकार गरीब की है, ये सरकार गरीब के लिए जरूर नहीं, ठीक है, ठीक है, ये लोगों के बारे में, लोगों की लड़ाई, नहीं, एक सेकंड, लोगों के हक में यहाँ सवाल पूछे जा रहे हैं, आप दोनों राजनीति ना करें। विपिन मलिक, ये बताइए कि जिस तरह, और अब राजनीति की बात, एक सेकंड, विपिन मलिक, ये बताइए कि जिस तरह की समस्या है अब इस बैंक के सामने, उसे सुधारने में, उसे सुलझाने में कितना वक्त लगेगा? क्या 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? क्या 6 महीने के अंदर ये बैंक फिर से नॉर्मल ऑपरेशंस शुरू कर पाएगी? अपरेंटली मुझे तो नहीं लगता कि 6 महीने में कुछ हो पाएगा। ये सारी प्रॉब्लम का एक ही जड़ है मैडम, जो कि मैं आपको आपके चैनल के थ्रू बताता हूँ कि ये नेक्सस जो है ना बिटवीन पॉलिटिशियन, बोरोअर्स एंड लेंडर्स, जब तक ये नेक्स एंड बैंकिंग सेक्टर, जब तक ये बैंकिंग सेक्टर में ये नेक्सस नहीं टूटेगा, ये प्रॉब्लम्स
कोऑपरेटिव सेक्टर में, स्टेट हो या सेंट्रल कोऑपरेटिव सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर में आएंगी आएंगी। और मैं हर डिपॉजिटर को एक कॉशन देता हूं कि जिस बैंक में ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम इन्वॉल्व है वो बैंक कभी ना कभी प्रॉब्लम में आएगा। सो अपना पैसा जमा कराने से पहले आप अच्छी तरह सोचिए और तभी पैसा जमा कराइए। जहाँ तक ये 6 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में एसेट रिकवरी हो जाएगी और डिपॉजिटर्स को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, पैसा डूबेगा नहीं, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि रिजर्व बैंक ने किसी बैंक को फेल नहीं होने दिया। मलिक, और कुछ लोग आपसे भी सवाल करना चाहते हैं, हम आपकी तरफ आते हैं। फिर एक बार अशफाक मुंबई से जुड़े हुए हमारे साथ। अशफाक, आपका क्या कहना है? हेलो हाँ अशफाक जी, अशफाक। या माय क्वेश्चन इज ओनली सिंपल, यू नो, आरबीआई हैज टेकन सम स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, दैट इज व्हाट दे से, बट हाउ कैन आरबीआई बी ओनली वन साइडेड? यू नो, एट वन प्लेस, यू नो, दे हैव पुट रिस्ट्रिक्शंस फॉर द नॉर्मल कस्टमर्स बाय गिविंग 1,000 rupees फॉर 6 months। नाउ हाउ फेयर इज दैट? ओके, दिस इज वन पॉइंट। Second, at the same, if I read today's Times of India, it says that the bank employee salaries are protected for 6 months. All electricity bill, everything, all other things are protected. Okay, and the customers who made the bank what it is today, they are being given only 1,000 rupees for 6 months. Then this is the second point. Exactly. And the third point is the people who have passed this loan, you know, who are supposed to do their work judiciously, they have passed a loan to a defunct company which is filed for bankruptcy, some 2,800 crores or something. I may be wrong on the figure. I mean, though the management and officials who are responsible for sanctioning the loan, they go scot-free. जी, रूपाली भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपाली, आपका क्या कहना है? See, I have an account with the PMC Bank, Airoli. Today morning, I got the message from the bank that my account was credited by around rupees 1 lakh from various NEFTs. How can the bank take deposits if it's not, it is put on restrictions from 23rd September? How can the bank take deposits on 24th September in the account? यानी आज भी पैसा क्रेडिट हुआ है। विनायक अंबेकर आपके पास आ रहे हैं, लेकिन विपिन मलिक ये बताइए, क्या आज भी बैंक में पैसा क्रेडिट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बैंक, जहां तक क्रेडिट आने का सवाल है, उन्होंने रिजर्व बैंक ने रिस्ट्रिक्शन 35A में अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक रिजर्व बैंक पॉलिसी एक ही बात के विड्रॉल की लिमिटेशन है, क्योंकि एसेट लायबिलिटी का मिसमैनेज हो रहा है। यानी एसेट्स तो हैं, लेकिन वो उसमें कैश फ्लो नहीं है, और लायबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो एसेट लायबिलिटी को मैनेज करने के लिए उन्होंने कहा है कि एसेट लायबिलिटी की को प्रोटेक्ट करने के लिए 1,000 crore तो विड्रॉल परमिट कर दो। बट जहां तक क्रेडिट का सवाल है, लेट द क्रेडिट आता रहेगा। बैंक आपके पैसे लेगी जरूर, लेकिन देगी नहीं, लेकिन दे नहीं सकती। जी विपिन मलिक आपसे और एक सीधे सवाल है, जो आपने बात इसके पहले की थी कि आपका कहना था कि जहां पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ऐसे बैंक में ना जाए, आम डिपॉजिटर्स जो है इस तरह की बैंक में ना जाए। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो आरबीआई इस तरह के बैंकों को, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है कोऑपरेटिव का, फिर उस कोऑपरेटिव के सिस्टम को क्यों चलने दे रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव ही गलत है और पब्लिक सेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, तो आप इस तरह का दोगुनापन क्यों कर रहे हैं इस पूरी व्यवस्था में? जो बैंकिंग व्यवस्था है वो दोनों तरह से चलनी चाहिए थी, दोनों पहिए जो है बैंकिंग व्यवस्था के, पब्लिक और कॉर्पोरेट चलने चाहिए थे। लेकिन आप कॉर्पोरेट को ही अगर सीधे सीधे कह रहे हो कि ये यहाँ पे सुरक्षितता है नहीं, तो फिर वो चल क्यों रहा है? बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ये बहुत ही रिस्क फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारा बोर्ड ही पॉलिटिकल बोर्ड होता है। आप देख लीजिएगा इस बैंक को भी, अगर डायरेक्टर्स देख लीजिएगा, शायद 13 डायरेक्टर हैं या 14 डायरेक्टर हैं, कोई ना कोई लिंक होगा किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, या कोई ना कोई पॉलिटिकल
उनका नेक्सस होगा बिटवीन दैट, और जो लैंडिंग भी होगी वो लैंडिंग भी इतनी गलत होगी कि भाई वो कहीं ना कहीं नेक्सस तो साफ सामने आ रही है जी, या, जी यहाँ पर आखिरी सवाल विनायक अंबेकर, माफ कीजिए वक्त की कमी है, विनायक अंबेकर 10 सेकंड में जवाब दीजिए, क्या आपकी सरकार, क्योंकि लोगों की इतनी सारी दिक्कतें, क्या आपकी सरकार उनके हक में सामने आएगी? जरूर आएगी, और मैं ये भाई साहब से कहना चाहता हूँ विपिन जी से कि पूरे सहकार पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर हजार रुपए का जो आपका लिमिट है वो आप बढ़ाएंगे सहकारी बैंक? एक सेकंड हाँ या ना में जवाब दे विनायक अंबेकर, हजार रुपए का जो लिमिट है क्या वो बढ़ा सकते हैं? सरकार जरूर इसके ऊपर काम कर रही है, सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और उसके लिए सरकार प्रयत्नशील रहेगी जी, और इसी पर सवाल हम लगातार इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। माफ कीजिए वक्त की कमी है, हमें इस शो पर यहीं पर रुकना होगा और आगे खबरों का सिलसिला जो है वो भी जारी रहेगा, बने रहिए मेरे नाव के साथ।